इसराइल पर हमास के सबसे नए प्रहार का दृश्य है, जिसमें आग है, धुआं है, बेहिसाब तबाही है। इस हमले में कितनी मौतें हुई इसकी गिनती नहीं आई, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इसराइल की सरजमी पर फिर से महातबाही की धमकी के बाद हमास ने यह हमला किया। कुछ ब्रिगेड ने तेल अवीव से लेकर अश्कलोन तक फिर से अग्निबाणों की बेहिसाब बौछार करने का ऐलान किया है, जबकि पहले से ही इसराइल की गलियों में तबाही के निशान बिखरे पड़े। समंदर की ओर से फिर हमला हुआ। ये इजरायली आर्मी का अटैक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे ऊपर से जाता हुआ, ये एक इंटेंस ऑपरेशन की तरफ संकेत है। जाहिर सी बात है कि इजरायली आर्मी ने जो अभी रॉकेट्स फायर किए गए हैं उसके बाद ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा इंटेंस कर दिया गया है, और ये एक बार और दिखाता है कि अब जो पांचवें दिन जिस तरह से लग रहा था कि शायद कुछ ऑपरेशन कम हो जाएगा, एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है। कैमरामैन मान को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरफ आए, और ये देखिए जनरली इतना लो फ्लाई नहीं करता है, और आपको एक और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का अटैक हेलीकॉप्टर बहुत ही नज़दीक से, मुश्किल से ये 5 से 10 के ऊपर ठीक हमारे जाता हुआ, और ये एक इजरायली डिफेंस फोर्स का आर्मी बेस है वहाँ पर जा रहा है। नए आतंकी हमले के बाद तेल अवीव में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है, लोग डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं। ये तस्वीरें ऐसे वक्त में आई हैं जबकि अमेरिकी आर्मी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जिन अमेरिकी नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया उन्हें छुड़ाने के लिए अमेरिकी आर्मी गाजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। रोमानिया और जॉर्डन में तैनात अमेरिकी आर्मी के सील कमांडोज को हाई अलर्ट किया गया है। दूसरी तरफ हमास भी बार बार धमकी दे रहा है। गाजा पट्टी करीब स्तरोट शहर में अब भी चारों तरफ जख्म है। इसराइल में इस पूरे एरिया को जहां पर अभी हम हैं, इसराइल के गाजा के सबसे नज़दीकी इलाकों में से एक स्तेदरोत, और यहां पर हमें दिख रहा है कि कदम कदम पर गोलियां पड़ी हुई हैं, और यही चीज़ मैं ऑब्जर्व की और मैंने आपको सोचा कि इस रिपोर्ट के ज़रिए दिखाना चाहता हूं। ये देखिए इस तरह से यहां पर कदम कदम पर गोलियाँ पड़ी हुई है, या फिर जो गोलियों के खोखे हैं वो पड़े हुए हैं, और कई तो यहाँ पर इनफैक्ट देखिए कि पूरी की पूरी गोली भी पड़ी हुई है। और इस तरह से जब मैं और मेरे कैमरामैन मान कुछ कदम ही चलते हैं तो इस इसराइल के सदरोत इलाके में ये गोलियां आपको दर्शाती हैं कि कितनी ज़्यादा यहां पर घमासान लड़ाई हुई। और जाहिर सी बात है कि अगर कुछ कदम चल के आपको इतनी सारी गोलियों के खोखे मिल जाएँ, या फिर कुछ तो जैसे कि ये देखिए एक फिर पूरी साबुत ये बंदूक की गोली, और ये दर्शाती है कि किस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट हुई है। मुश्किल से आपने देखा है कि हम केवल 10 कदम ही चले हैं, और ये गोलियाँ साफ दर्शाती हैं कि बहुत ज़्यादा गन बैटल हुई है यहाँ पर। इसराइल के जो फ्रंट लाइन इलाकों में से एक है जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस पूरे इलाके में जिसे स्पेशल मिलिट्री जोन अब डिक्लेयर कर दिया गया है, चाहे आप सदरोत का बोलिए, इलाका बोलिए, एश्कलोन का, एसदौद का, इन सभी इलाकों में जो गाजा पट्टी से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी इजरायली फोर्सेस को लगता है कि कई हमास के जो आतंकी हैं वो कई इस तरह की इमारतों में छुपे हुए हैं, और इसीलिए वो इस तरह की घटना को, इस तरह की गन बैटल को फिर एक बार अंजाम दे सकते हैं। कोई एक दो जगह नहीं, शहर दर शहर ऐसी ही स्थिति है। इसराइल की फोर्स अलर्ट पर है। वॉर जोन में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने खतरों से खेलते हुए जंग की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद की है।